और यूपी में आज से शुरू होगी मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना। जी हां, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आज इसका शुभारंभ करेंगे। कोरोना काल में अनाथ हुए बच्चों के लिए ये योजना शुरू होगी। योजना के तहत बच्चों की देखभाल की जाएगी। बच्चों की जिम्मेदारी संभाल रहे अभिभावकों के खाते में मासिक राशि भेजी जाएगी। तो कोरोना काल में अनाथ हुए बच्चों के लिए इस योजना की शुरुआत हो रही है, जिसकी घोषणा पहले मुख्यमंत्री ने की थी। अब इसका शुभारंभ वो करेंगे, और वो और आनंदीबेन पटेल आज इसका शुभारंभ करेंगे। आइए इस योजना के बारे में और विस्तार से समझते हैं कैसे इसका शुभारंभ होगा। इस कार्यक्रम के बारे में डिटेल्स भी हासिल करते हैं। विवेक त्रिपाठी हमारे संवाददाता, हमारे सहयोगी लखनऊ से हमारे साथ जुड़ गए। विवेक, बताइए क्या जानकारी आपके पास? जी देखिए राजेंद्र, आज दोपहर 12 बजे करीब मुख्यमंत्री जो है लोक भवन से इसका योजना की शुरुआत करेंगे, और इसमें लखनऊ के 292 बच्चे हैं, जिसमें से 50 बच्चे आज वहां पर मौजूद रहेंगे। उनके अभिभावक जो अस्थाई अभिभावक हैं उनको रुपए दिए जाएंगे, जो आर्थिक मदद है, जो सहायता है सरकार की तरफ से बाल सेवा योजना मुख्यमंत्री की, उसके तहत रुपए दिए जाएंगे। उस कार्यक्रम में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल होंगी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ होंगे। इसके अलावा जो महिला कल्याण एवं बाल पुष्टाहार विभाग की मंत्री हैं स्वाति सिंह, वो भी होंगी। 50 बच्चों में 4 बच्चे ऐसे हैं जिनकी माता पिता दोनों कोरोना काल में नहीं रहे, कोरोना काल की वजह, कोरोना बीमारी की वजह से उनकी मौत हो गई है, जबकि एक बच्चा ऐसा है जिसकी माँ की डेथ हुई है, और 45 ऐसे बच्चे हैं जिनके पिता कोरोना ने छीन लिए हैं। इन सभी बच्चों के जो अस्थाई अभिभावक हैं उनको बच्चों को पोषण के लिए, भरण पोषण के लिए, उनकी पढ़ाई लिखाई के लिए, और उनके जो चिकित्सा है, बीमारी कोई समस्या होती है, बीमार होते हैं तो उसके इलाज के लिए हर महीने 4,000 रुपये देने की व्यवस्था की गई है। और आज यानी 3 महीने की सहायता राशि भेजी जाएगी। ये जुलाई, अगस्त और सितंबर की रकम के तौर पर 12,000 रुपये जो बच्चों के अस्थाई अभिभावक हैं उनके बैंक खातों में भेजी जाएगी। और ये यहाँ जो 50 बच्चे हैं, इसके अलावा जो पूरे यूपी के अलग अलग जनपदों के बच्चे हैं वो वर्चुअल समारोह से जुड़ेंगे, और योजना में वही लाभान्वित होंगे जिनकी वार्षिक आय, जिन परिवारों की वार्षिक आय 3 लाख रुपए के आसपास है, यानी जो गरीब परिवार हैं उन्हीं को शामिल किया गया है। इसमें से जो 11 से 18 साल के बच्चे हैं उनकी 12वीं तक की पढ़ाई फ्री की जाएगी, निःशुल्क होगी, उनको पढ़ाई के लिए कोई पैसा नहीं देना होगा। इसके अलावा बेटियों के लिए खास तौर पे इस योजना में ज़्यादा सुविधाएं हैं, बेटियों की पढ़ाई लिखाई का और शादी का खर्चा पूरा सरकार उठाएगी। जो शादी योग्य बालिकाएं हैं, बच्चियां हैं जिनके माता पिता की डेथ हो गई है, या किसी एक की डेथ हो गई है, या जो कमाने वाले हैं उनकी, उनका कोरोना ने उनको छीन लिया है, उनको 1,01,000 रुपये दिए जाएंगे शादी के लिए। तो ये सारी जो सुविधाएं हैं सरकार ने इस कोरोना काल में तमाम ऐसे बच्चे परिवार, तमाम ऐसे परिवार हैं जिन्होंने अपने संरक्षक खो दिए, जिन्होंने अपना कमाऊ सदस्य खो दिया है, ऐसे बच्चे जो अनाथ हो गए हैं। तो मुख्यमंत्री ने थोड़े दिन पहले ही कहा था कि अनाथ नहीं है, अनाथों के नाथ सरकार है, यानी सरकार उनको पालेगी, सरकार उनका लालन पोषण करेगी, सरकार उनके तमाम खर्चे उठाएगी, उनको किसी भी तरह से ये एहसास नहीं होगा कि माता पिता नहीं रहे या परिवार का कोई एक सदस्य नहीं रहा, अभिभावक नहीं रहे। तो उस सरकार ने ऐसे बच्चों को गोद लेकर, एक तरह से माने कि गोद ले लिया है, और सारी जो उनके बालिग होने तक जो सारे खर्च हैं वो सरकार उठाएगी, पढ़ाई लिखाई हो या अगर कोई बीमार होता है तो भी सारी सुविधाएं देगी सरकार उनको। और इसके लिए तमाम अन्य योजनाएं भी शुरू की गई हैं। जो छोटे बच्चे हैं, जैसे अगर कोई बच्चा पैदा हुआ और उसके माता पिता की डेथ हो गई है, बहुत सारे ऐसे बच्चे भी हैं, उनका सारा जिम्मा जितना पढ़ाई लिखाई से लेकर आगे बालिग होने तक सारी जिम्मेदारी सरकार उठाएगी। तो ये योजना सरकार की एक तरह से बच्चों के लिए बहुत अच्छी योजना है, इसको बहुत प्रशंसा भी मिली है, तारीफ भी मिली है इसको केंद्र सरकार ने। मानवीय पहलू का ध्यान रखा गया है, और जो राज्य की जो करुणा है अपने नागरिकों पर उसका प्रभाव दिखता है। विवेक हमारे साथ बने रहिए, हम आपसे आगे भी बात करेंगे।